का पदनाम बदलकर लेक्चरर किया गया। 125 यूनिट पर बिजली सब्सिडी खत्म नहीं होगी। साधन संपन्न लोगों को इस योजना से बाहर किया जाएगा। सभी इनकम टैक्स देने वाले लोगों, क्लास वन और क्लास टू कर्मचारियों को नहीं मिलेगी 125 यूनिट तक की फ्री बिजली योजना का लाभ। एक परिवार को एक मीटर पर ही मिलेगा 125 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना का लाभ। आधार या राशन कार्ड से जोड़े जाएंगे बिजली मीटर। जेओए आईटी पोस्ट कोड 903-909 की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 21 सितंबर 2020 में जेओए पदों के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। सरकार ने फैसला किया है कि जो 50% शेयर है लगभग 1,000 करोड़ रुपए, वो हिमाचल सरकार जो है उसको बेयर करेगी, और 2,000 करोड़ रुपए का जो बल्ड्रक का पार्क है उसको आगे काम चलाने के लिए आज कैबिनेट ने जो है हरी झंडी दे दी है। क्योंकि ये जो बल्ड्रक पार्क है ये 2,000 करोड़ रुपए के करीब का है, जिसमें से कि 1,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और 1,000 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार देगी। और इसकी जो डेट है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये 31 दिसंबर 2025 तक इसकी डेडलाइन थी, मगर अब इसको केंद्र सरकार ने इसको 31 मार्च 2026 तक जो है वो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। बल्ड्रक पार्क का काम जो है वो बहुत तेज़ी से जो है अब लग जाएगा। 486 पोस्ट जो है वो लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन की आज कैबिनेट ने स्वीकृत की है। क्योंकि जो DPs होते थे, प्लस टू में DPs थे, उनका जो डेजिग्नेशन DP के था, और उनको बड़ा एतराज़ था कि हर सब्जेक्ट के जो प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, लेक्चरर्स थे, उनको लेक्चरर इकोनॉमिक्स, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, लेक्चरर हिस्ट्री रखा जाता, तो उनका मानना था कि हमारा डेजिग्नेशन चेंज करके हमको जो है लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन किया जाए। तो आज कैबिनेट में 486 पोस्टें जो है वो लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन की जो है स्वीकृत की है। 157 पोस्टें जो है स्कूल काडर के प्रिंसिपल की जो है वो कैबिनेट ने आज स्वीकृत की है, जिसको कि आने वाले समय में जो भी टीचर्स हैं उनको सीनियोरिटी के आधार पे जो है इनको जो है भर दिया जाएगा। सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने, और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा है कि जो सब्सिडी है हिमाचल प्रदेश के जो उपभोक्ताओं को बिजली की सब्सिडी दी जा रही है वो ख़त्म कैबिनेट ने की है, कि ये जो न्यूज़ है ये गलत है, ऐसा कैबिनेट ने कोई भी डिसीजन नहीं किया है। वहीं सुखू सरकार सीधी सी बात आज कैबिनेट में हुई है और हर्षवर्धन चौहान कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी तरफ से कही गई है कि प्रदेश के सभी इनकम टैक्स पे इस योजना का लाभ अब नहीं उठा पाएंगे। जितने भी प्रदेश में लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उनको 125 यूनिट निशुल्क जो योजना थी, जो सब्सिडी प्रदेश सरकार की तरफ से दी जा रही थी, उसका लाभ उनको नहीं मिलेगा। इसमें चाहे फिर पॉलिटिशियंस हों, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, तमाम लोग जो एक रुपया भी इनकम टैक्स पे करते हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पहले इस योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिलता था, लेकिन अब ये साफ कर दिया है आज कैबिनेट ने, इसके ऊपर मोहर लगा दी है कि जितने भी लोग जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको 125 यूनिट योजना का लाभ, फ्री बिजली योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो हर घर, हर मीटर को आधार कार्ड या राशन कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा, और एक ही जो बाकी लोग बचे जो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं प्रदेश की जनता, उनके तमाम उनके मीटर को, इलेक्ट्रिसिटी मीटर को आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा, और एक व्यक्ति को एक मीटर पर सब्सिडी मिलेगी। मान लो अगर किसी के घर में 2 या 3 मीटर लगे हैं और एक ही परिवार है, तो उनको सिर्फ एक मीटर के ऊपर सब्सिडी मिलेगी। अगर किसी के मकान में किराएदार रहते हैं, उनके लिए अलग मीटर हैं, तो उनके ऊपर भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। एक परिवार को एक ही मीटर के ऊपर 125 यूनिट फ्री सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा जितने भी लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उनको भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये आज साफ ये कैबिनेट की तरफ से कर दिया है, और इसके ऊपर अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी विपक्ष की तरफ से लगातार आना शुरू हो गया है। तो आज की कैबिनेट का ये बड़ा फैसला था। इसके अलावा एक और फैसला कैबिनेट की तरफ से लिया गया है कि जितने भी स्पेशल चाइल्ड मदर्स हैं,
स्पेशल चाइल्ड की मदर हैं, उनका मातृत्व अवकाश अब 2 साल के लिए कर दिया गया है। पहले 1 साल का मातृत्व अवकाश मिलता था, पर क्योंकि बच्चा स्पेशल कंडीशन में होता है तो ऐसे में स्पेशल चाइल्ड मदर को अब 2 साल के लिए मातृत्व अवकाश मिलेगा। और एक इसके अलावा एक और मांग जो शिक्षा विभाग में लंबे समय से चल रही थी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स थे वो अपना पदनाम चेंज करने की मांग कर रहे थे, तो वो पदनाम अब स्कूल लेक्चरर कर दिया गया है, PET से बदलकर अब इसको स्कूल लेक्चर कर दिया गया है। जो प्लस वन प्लस टू या हायर एजुकेशन के जितने भी फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं उनका पदनाम चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा जो 2 पोस्ट कोडों का जिक्र किया गया है उनकी जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने की बात कही गई है, और ये कैबिनेट की तरफ से मंजूर किया गया है कि जिन लोगों के नाम अगर कोई पेपर स्कैम में आए हैं या किसी प्रकार की अनियमितताएँ पाई जाती हैं तो पर्टिकुलर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी जो JAIT 2 पोस्ट कोड बताए गए हैं उनकी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो मंजूरी शिक्षा विभाग की तरफ से मांगी जा रही थी स्कूल मर्ज करने की, उसको लेकर भी बड़ा फैसला कैबिनेट की तरफ से आया। देखना होगा किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करता है, कितने स्कूलों को पहले चरण में मर्ज किया जाता है एजुकेशन के सेक्टर में। तो कई अहम फैसले हुए, और ख़ासकर बल्क ड्रग पार्क का जो अगर हम कहें तो उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाने की मंजूरी, 1,000 करोड़ रुपये जो हिमाचल सरकार का हिस्सा है उसको अब मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है कि वो अब हिस्सा डालेंगे, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वो अब शुरू हो सकेगा। क्योंकि इन जो 2 बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं हिमाचल को केंद्र की तरफ से पूर्व की सरकार के समय, उन दोनों प्रोजेक्ट में जो आधारभूत ढांचे का निर्माण है और उपलब्धता है वो हिमाचल को करनी है, स्टेट गवर्नमेंट को करना है, चाहे वो बिजली की उपलब्धता है, पानी की उपलब्धता है, इसके अलावा ज़मीन समतल करने उपयोग लायक करने के लिए ये तमाम चीज़ें, इन पर जो धनराशि खर्च होगी या फिर जो कंसल्टेंट हायर करेंगी स्टेट गवर्नमेंट, इन तमाम के ऊपर जो खर्चा होगा उसके लिए मंजूरी 1,000 करोड़ रुपये की सरकार की तरफ से कर दी गई है। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रोग्रेस तेज़ी से इसके ऊपर काम होगा और जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट लगना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे ताकि हिमाचल के युवाओं को रोज़गार भी इसके ऊपर मिल सके। तो कई अहम फैसले आज कैबिनेट की तरफ से किए गए हैं, कई बड़ी संख्या में पद भी विभिन्न विभागों में स्वीकृत किए गए हैं, खासकर शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल कॉलेजों के लिए डॉक्टर्स की जो ज़रूरत थी वो भी पद आज स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग में TGT और JBT इनकी जो बैच वाइज भर्ती थी उसको भी आगे बढ़ाने की, अपॉइंटमेंट देने की अनुमति आज कैबिनेट की तरफ से दी गई है। अब देखना होगा कि कितने समय में ये अपॉइंटमेंट्स मिलती है और जो पद भरने की प्रक्रिया है वो कितने जल्दी शुरू होती है। तो जी, शुक्रिया राजू, काफी अहम। जी जी शुक्रिया राजू।